बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मियों में जो भी प्रोडक्ट्स आप लोगों को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो स्किन हो, हेयर हो, बॉडी हो, तो आप इसे यूज़ करना। और अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट ही मतलब हो गई है, अभी तो मार्च का महीना चल रहा है, तो अभी से ही आप लोग ये लेमन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करो ताकि आपका स्किन अच्छा रहे, फ्रेश रहे। आप लोग इससे नहाओ और आप लोग गर्मियों से थोड़ा सा आप छुटकारा पाओ, और गर्मियों से जो भी पसीना होता है, बदबू होता है, दुर्गंध होता है बॉडी में, उससे आप थोड़ा सा रिलीफ आप पाओगे। अगर आप ये सारे प्रोडक्ट्स आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा बहुत रिलीफ आपको मिलेगा। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगी हेयर से, बालों से स्टार्ट करूँगी। मैं रिकमेंड करूँगी हेड एंड शोल्डर्स का एंटी डैंड्रफ लेमन शैम्पू। दिस इज लेमन फ्रेश शैम्पू एंड दिस इज फॉर ग्रीसी हेयर। ये है शैम्पू, तो इसका ना छोटा वाला साइज भी आप लोगों को मिल जाएगा। ये 150 रुपीज का है, आपको 100 रुपीज का भी मिल जाएगा, 90 रुपीज का भी आई थिंक आता है, वो भी मिल जाएगा। आप लोग छोटा वाला प्रोडक्ट भी आप यूज करो, और इससे आपको कूलिंग सेंसेशन देगा आपके हेयर्स पे। मैंने इसे खुद भी ट्राई किया है, तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गर्मियों में ये मस्ट है मैं बोलूंगी, क्योंकि ये आपके गर्मियों में जो भी डैंड्रफ्स होते हैं इसे बहुत अच्छे तरीके से क्लीन करता है। तो अब नेक्स्ट है फेस वॉश की मैं बात करती हूँ। फेस वॉश में मैं रेकमेंड करूंगी गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश। दिस क्लियर्स डलनेस एंड इट हैज विटामिन सी एंड इट हैज लेमन एंड दिस डीप क्लेंसेज योर स्किन। इसमें विटामिन सी है और लेमन के एक्सट्रैक्ट है, और ये डीपली आपकी स्किन को क्लीन करता है, आप लोग देख लो। और ये ना बहुत ही अच्छा झाग देता है, मैंने इसे यूज किया है। ये एकदम आप अगर आपका स्किन ऑयली हो तो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि ये जो भी ऑयल है, स्वेट है, सीबम है, आपकी स्किन से बहुत ही अच्छी तरीके से उसे खींच निकालता है, बहुत ही अच्छा क्लीन करता है। अगर आप इसे दिन में दो बार यूज करो तो मतलब तो और भी अच्छा है, क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को दो बार आई थिंक नहाना चाहिए और फेस वॉश भी दो बार ही करना चाहिए। तो ये है गार्नियर का विटामिन सी फेस वॉश। तो इसका प्राइस है 99 रुपीज़। इसका बड़ा साइज भी आप लोगों को मिल जाएगा, मगर आप पहली बार अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आप ये 99 रुपीज़ का ही पैक ट्राई करो। और इसका थोड़ा सा मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ ऐसा है और बहुत ही क्रीमी है, फोमी है इसका टेक्सचर, आप लोग खुद एक बार ट्राई करना। उसके बाद है एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल ले लो, आप इसे यूज़ करो। मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जेल्स अवेलेबल है, चाहे वो मामा अर्थ हो, वाओ हो, ये वाला बोरो प्लस का है। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर लो विच इज़ पैराबिन फ्री। मैं पैराबिन फ्री प्रोडक्ट्स ही आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, तो ये पैराबिन फ्री प्रोडक्ट है और इसका प्राइस है 95 रुपीज़। और ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा। और दिस इज़ एंटीसेप्टिक हर्ब्स एंड दिस इज़ पैराबिन एंड सल्फेट फ्री, और इसमें मतलब एंटीसेप्टिक गुण भी है। अगर आपको बर्निंग हो या इचिंग हो तो आप वहाँ पे भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। दिस इज नॉट ओनली फॉर योर फेस। तो जब भी आप फेस वॉश करोगे उसके बाद आप कोई भी एलोवेरा जेल आप यूज कर सकते हो। मेरा तो मतलब पूरा खत्म होने ही वाला है, मैं दूसरा कोई एलोवेरा जेल मैं यूज करूंगी, तो ये वाला आप यूज करो। उसके बाद बॉडी पे मैं आती हूँ। तो बॉडी पे आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी फियामा का लेमन ग्रास एंड जजुबा शावर जेल। दिस हैज स्किन कंडीशनर, और ये दिखने में कुछ ऐसा है ये वाला प्रोडक्ट। इसका जो अरोमा है मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सिट्रसी है। ये आपके स्किन को, आपके बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन करेगा, क्लेंस करेगा, और बहुत ही फ्रेश फील करोगे आप लोग। इसे गर्मियों में ज़रूर ट्राई करना दोस्तों, मैं आप लोगों को ये हाईली रिकमेंड करूँगी। और मेरा जब भी ये ख़त्म हो जाएगा मैं दूसरा इसे रिपर्चेस करूँगी। और शावर जेल मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप रात को सोने से पहले आप शावर जेल यूज़ करके आप सो जाओ रात को, तो आप और भी फ्रेश फील करोगे जब भी आप सोने जाओगे अपने बेड पे। तो मैं ये वाला जो शावर जेल है फियामा का ग्रीन कलर का, ये वाला मैं रेकमेंड करूंगी। और इसे बस थोड़ा सा ही लूफा में लेना पड़ता है, और आपके बॉडी में आप इसे अप्लाई करो, स्पेशली आपके अंडर आर्म्स पे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पसीना होता है। और इसका प्राइस है 225 रुपीज़, और ये 250 ml का प्रोडक्ट है।
उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगी आप लोगों को हिमालय का नीम एंड टर्मरिक सोप। ये वाला सूप मैंने बड़ा पैक मैंने आज ही लिया है तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसमें चार सोप्स आप लोगों को मिल जाएगा और इसका प्राइस मुझे पड़ा 160 रुपीज। और ये ईच जो साबुन है उसका नेट वेट है 125 ग्राम। और अगर आपको ईच साबुन लेना है तो आपको 40 रुपीज या 50 रुपीज के अंडर ही आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ये बहुत ही अच्छा सोप है। मैं इसे एक बार खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका अरोमा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही रिफ्रेश्ड फील कराएगा और बॉडी में जो भी स्वेट होता है और स्वेट का स्मेल जो भी होता है, बदबू होता है, ऑयल होता है और सीबम होता है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से ये सोप साबुन क्लीन करता है। ये तो मेरा फेवरेट साबुन है, मैं गर्मियों में सिर्फ यही साबुन मैं यूज़ करती हूँ। और मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि आप लोग भी ये वाला साबुन आप लोग अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे तुरंत खरीदो। और गर्मियों के लिए मैं ये हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाला साबुन आप यूज़ करो। तो मैं इसे खोल के एक बार दिखा देती हूँ। तो ये है हिमालय का नीम एंड टर्मरिक सोप और इसका खुशबू भी बहुत ही अमेजिंग है, आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करना। और ये कुछ देखने में ऐसा है, बहुत ही अच्छा झाग देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी बॉडी को क्लेंस करता है ये वाला सोप। तो आप लोग इसे ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद आता है टैल्कम पाउडर। तो मैं मैं तो पहले सिंथॉल वाला जो सिंथॉल का जो एक येलो कलर का एक टैल्कम पाउडर होता है तो मैं वो वाला यूज़ करती थी। तो अभी ही वो वाला अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों मार्केट में अभी वो नहीं आ रहा है। मैं बहुत ढूंढी, बहुत सारे दुकानों में जाके मैंने ढूंढी तो मुझे वो मिल नहीं रहा है। तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ अभी, नाइस कूल का लेमन फ्रेश प्रिकली हीट पाउडर। ये वाला पाउडर एकदम लेमन है इसका अरोमा, मैंने इसे यूज़ किया है और ये ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। तो और ये ना प्रिकली हीट पाउडर है, ये आपको थोड़ा सा ठंडक महसूस करवाएगा, कूलिंग सेंसेशन देगा। इसमें मैंथॉल है तो ये इसमें लेमन है और मैंथॉल है, दोनों ही है। तो आप लोग इसे नहाने के बाद बॉडी को जब ड्राई करोगे टॉवल से, उसके बाद ये वाला जो टैल्कम पाउडर है ये आपके अंडरआर्म्स पे, दोनों साइड के अंडरआर्म्स पे आप लोग इसे ज़रूर लगाना और सो जाना कपड़े पहन के। और एक चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको सपोज आपको नहाने के बाद आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई, फ्लेकी और इची सा फील हो रहा है तो इसका मतलब आपको मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत है, थोड़ा सा नरिशमेंट की ज़रूरत है। तो आप लोग चाहो तो कोई भी एलोवेरा बॉडी लोशन अवेलेबल है बहुत सारे, जैसे कि निविया का, अगर वो मुझे मिला तो उसका रिव्यू मैं जल्दी करूँगी। तो अभी तो मुझे नहीं मिल रहा है तो इसीलिए मैं ये वाला बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ अभी, संतूर का बॉडी लोशन। दिस इज जर्म शील्ड एंड दिस इज विथ सैंडलवुड एक्सट्रैक्ट विथ एलोवेरा। तो इसमें सैंडलवुड भी है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट भी है एंड ये दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, सैंडलवुड एंड एलोवेरा। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये बहुत ही लाइट है, नॉन स्टिकी है, नॉन ग्रीसी है। ये आपको बिल्कुल भी आपका स्किन चिपचिपा नहीं होने देगा। तो आप लोग इसे बेझिझक आप ट्राई कर सकते हो अगर आपका स्किन थोड़ा सा ड्राई लगे। ड्राई तो लगेगा ही क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। नॉट ओनली ये नहीं कि सिर्फ सर्दियों में ही हम लोगों को लोशन अप्लाई करना चाहिए, मगर हाँ गर्मियों के लिए भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि अगर आपकी स्किन को थोड़ा सा मॉइस्चराइज और केयरिंग वे पे आप खुद को केयर करना चाहते हो तो आप प्लीज़ मॉइस्चराइजर यूज़ करोगे और सनस्क्रीन भी आप यूज़ करना अगर आप बाहर जा रहे हो तो। और एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि गर्मियों में हम लोगों को चारकोल शीट मास्क हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए। ये वाला मैं सर्दियों के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। गर्मियों में चारकोल क्या करता है, चारकोल हमारे जो भी स्किन के जो भी बैक्टीरिया है और स्वेट, सीबम, ऑयल, जो भी इम्प्योरिटीज़ है, डर्ट, ऑयल, डस्ट, जो भी इम्प्योरिटीज़ है वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लेता है। तो आप लोग कोई भी चारकोल शीट मास्क आप लोग यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये गार्नियर वाला है
और एक पॉन्ड्स का भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये है पॉन्ड्स का चारकोल शीट मास्क, दिस इज डिटॉक्सिफाइंग, और इसका रिव्यू मैं जल्द ही लाऊंगी। तो आप लोग ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैंने आज आप लोगों को वीडियो पे दिखाया है, तो आप ये वाले प्रोडक्ट्स आप लोग जरूर ट्राई करना, और अगर आप घर पे भी हो तो भी आप सनस्क्रीन यूज करना, और अगर बाहर हो तो भी तो मतलब आपको करना ही है, ये तो कोई बोलने की बात नहीं है। और अगर आप 4 बजे भी निकल रहे हो आपके घर, अगर आपके घर के बाहर आप 4 बजे के बाद भी आप निकल रहे हो, तो आप लोग सनस्क्रीन अप्लाई करके ही बाहर जाना। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो, आशा करती हूँ आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, और मिलती है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।